इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री आवास पर गृह विभाग की एक बड़ी बैठक फिलहाल जारी है, अहम बैठक। इस बैठक को बताया जा रहा है मुख्यमंत्री आवास पर फिलहाल गृह विभाग की एक बड़ी बैठक। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में ये बैठक फिलहाल जारी है। डीजीपी भूपेंद्र सिंह यादव, एडीजी भी सीएमआर पहुंच चुके हैं इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए। पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव भी बैठक में फिलहाल मौजूद। गृह विभाग की एक अहम बैठक, कानून व्यवस्था और लॉकडाउन के नियमों की पालना को लेकर जो मुख्यमंत्री फीडबैक ले रहे हैं, इस बैठक का अहम पॉइंट अभी फिलहाल वो बताया जा रहा है। राजधानी जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में गृह मंत्रालय की अहम बैठक सीएमआर में फिलहाल। डीजीपी भूपेंद्र सिंह यादव, एडीजी भी सीएमआर हैं और पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव भी इस बैठक में मौजूद। तमाम जो हालात बने हैं कानून व्यवस्थाओं को लेकर और लॉकडाउन के नियमों की पालना को लेकर, उसका फीडबैक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ले रहे हैं। लगातार मॉनिटरिंग खुद कर रहे हैं, पूरी बैठक की अध्यक्षता भी कर रहे हैं। पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव इस बैठक में मौजूद हैं और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए एवं संवाददाता पिंटू सिंह नरूका फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पिंटू, एक अहम बैठक इसे बताया जा रहा है जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हो रही है, गृह विभाग की अहम बैठक। क्या इस बैठक के मायने हैं और क्या मुख्य बिंदु निकल कर आ रहे हैं अभी तक? देखिए जेती, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में भी सीएमआर में जो बैठक चल रही है उसमें पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो मौजूद हैं। खासतौर पर चर्चा इस बात को लेकर है कि जो पिछले कुछ दिनों में जो अपराध बढ़े हैं, जो कानून व्यवस्था है, उन सब मुद्दों को लेकर चर्चा हो रही है। साथ ही जो लॉकडाउन लगातार अब खुल चुका है, काफी बड़ी तादाद में आवागमन सुविधा सब कुछ खोल दिया गया है, लोग बड़ी तादाद में बाहर निकल रहे हैं, साथ से कोई अव्यवस्था नहीं हो, किसी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं हो, क्योंकि पुलिस का एक बड़ा रोल है इस पूरी तमाम नियमों की पालना करवाने में, उन सब चीजों को लेकर चर्चा हो रही है। कानून व्यवस्था एक मुद्दा है क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जिस प्रकार के मामले आए हैं तो उन सब चीजों का फीडबैक सीएम अशोक गहलोत ले रहे हैं। साथ ही वो निर्देश दे रहे हैं कि हमने अनलॉक जरूर किया है लेकिन पुलिस की जिम्मेदारी है कि तमाम चीजों की पालना करवाई जाए, जो नियम बने हुए हैं, गाइडलाइन बनी है उनकी पालना हो, जो दुकानदार हैं वो अवेलना नहीं करें नियमों की, ज्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं हो, मुस्तैदी से काम करें क्योंकि जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ गई है। तो कानून व्यवस्था और जो लॉकडाउन के नियमों की पालना है उन सब चीजों को लेकर इस बैठक में चर्चा हो रही है। जी जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया।